हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। माइक्रोवेव में भी खाना गर्म करने के लिए एक टेम्परेचर होता है, वॉट होता है, वो अलग अलग होता है, सारी चीज़ों के लिए एक जैसा नहीं रहता है। तो आज आप लोगों को मैं गुलाब जामुन गर्म करना दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसे गलत टेम्परेचर पर वॉट पर सेट करते हैं, फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसके टेस्ट में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से आप माइक्रोवेव में गुलाब जामुन को गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने गुलाब जामुन, और अब हम लेंगे एक कांच का बोल जिसमें हमें गुलाब जामुन को गर्म करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो फ्रिज वाले गुलाब जामुन हैं या जो रूम टेम्परेचर वाले गुलाब जामुन वो हैं। यदि आपके बाहरी गुलाब जामुन रखे हुए हैं तो उसके लिए माइक्रोवेव में इन्हें गर्म करने का अलग टाइम होता है, और यदि फ्रिज से निकाल के आप इन्हें गर्म कर रहे हैं तो उनके लिए आपका जो टाइम होता है वो अलग होता है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6 से 7 गुलाब जामुन। आपको जितने भी गुलाब जामुन लेना है आप उतना ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा शीरा। तो यहाँ पे यदि आप 2 गुलाब जामुन गरम करें या 8 गुलाब जामुन या 9 गुलाब जामुन, कितने भी गुलाब जामुन गरम करें, उसके लिए जो टाइम होता है वो सेम होता है। कम या ज़्यादा से माइक्रोवेव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके गुलाब जामुन ज़्यादा हैं तो कितना टाइम लगेगा, कम है तो कितना टाइम लगेगा, दोनों के लिए टाइम सेम ही होता है। तो अब हम इन्हें रख देते हैं माइक्रोवेव में। तो अब आप देखिएगा मैं माइक्रोवेव का मोड सेट करूंगी। तो खाना गर्म होता है माइक्रोवेव के माइक्रो मोड में, तो माइक्रो मोड सेट किया मैंने यहाँ पे। और अब मैं इसका वॉट सेट करूंगी, तो 540 वॉट सेट करूंगी मैं। और अब इसका टाइम सेट करेंगे हम 1 मिनट का। तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि 900 वॉट पर ही गुलाब जामुन को गर्म कर देते हैं या खाना को गर्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो वॉट है उसको थोड़ा सा कम करना है, जिससे जो भी खाना हम गर्म करते हैं उसका जो स्वाद है वो चेंज नहीं होता है और जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से गर्म होती हैं। तो आप यदि कोई सब्ज़ी भी गर्म करते हैं तो उसके लिए भी वॉट थोड़ा सा कम करिएगा। जिस तरह से मैंने गुलाब जामुन के लिए 540 वॉट किया है, उसी तरह से आपको भी करना है, जिससे खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी नहीं जाती है और खाना है वो अच्छी तरह से गर्म भी हो जाता है। तो ये देखिए 1 मिनट में हमारे जो गुलाब जामुन है वो गर्म हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ दबा के कि 1 मिनट में हमारे गुलाब जामुन किस तरह से गर्म होंगे। तो अब एक चम्मच ले लेती हूँ और आप लोगों को इसे दबा के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे गुलाब जामुन गर्म हुए हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा दबा के देखिए आप कितनी अच्छी तरह से 1 मिनट में गुलाब जामुन गर्म हो चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं का था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।